हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे इज आवर टॉपिक इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं सबसे पहले द प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ रहे थे जिसमें आज हम पढ़ेंगे द प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में, क्या होता है, कब यूज़ होता है, वर्ड्स कैसे होते हैं, सेंटेंसेस में कब यूज़ होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज mainly used to form continuous, या फिर हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, टेंस, कॉन्टीन्यूस टेंस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस, जैसे कि हो जाता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, हो गया, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, या फिर पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो इस टाइप के जितने भी स्पेलिंग को क्या हो जाता है ना, इस टाइप के जितने भी टेंसेस होते हैं तो हम क्या पढ़ रहे थे, द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज मेनली यूज, किस किस में यूज होता है वो, जिसमें कॉन्टीन्यूस टेंसेस आ रहे होते हैं, जैसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इन सब टेंसेज में यूज होता है। सेकेंड लिखते हैं हम, इट इज यूज along, किसके साथ यूज होता है, along with the, to, be and have, forms of verb, ठीक है। और ये verb कैसे करता है, also लिख देते हैं यहाँ पे वर्क, या फिर फंक्शंस लिख देते हैं, एस क्या लिख रही हूँ मैं, एडजेक्टिव, व्हेन यूज्ड, किससे पहले यूज होता है, बिफोर अ नाउन से पहले। तो ये कैसे वर्क करता है, एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेते हैं हम। इसमें क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, कॉन्टीन्यूअस की बात है तो आईएनजी तो ज़रूर लगेगा, बट रिमूव ईडी डी ये सब चीज़ें रिमूव करके क्या लगाते हैं हम, आईएनजी। तो हम इसको एक एक करके देखते हैं, इसको मैं इरेज भी कर देती हूँ। यहाँ पे लिखिए टाइप्स ऑफ प्रेजेंट
प्रेजेंट पार्टिसिपल टाइप्स हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल वन, तब एडिंग आईएनजी टू वर्ब्स। क्या ऐड कर रहे हैं हम? एडिंग आईएनजी वर्ब में, तो वो कौन से वर्ड्स होते हैं? जैसे एम ओ यू आर एन, तो इसमें आईएनजी ऐड कर लेंगे, बोर्डिंग बन जाएगा, स्टैंड। इसमें बताओ क्या बनेगा? स्टैंडिंग हो जाएगा ये। फिल, फिल का क्या बन जाएगा? फिलिंग, सिर्फ आईएनजी ऐड हो रहा है। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे होता है चेक, चेकिंग, कलेक्ट, कलेक्टिंग, थिंक ले सकते हैं, थिंक का क्या होता है? थिंकिंग। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स थे जिसमें कि हमने एंड में आई एन जी ऐड किया है, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। जब क्या होता है? रिमूविंग ई एंड एडिंग आई एन जी ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये कब होता है? कौन से वर्ड्स में? जिसमें लास्ट में ई आता है। तो जैसे वर्ड्स हो गए प्रूव, तो पी आर ओ भी लिखा बट ई रिमूव करके इसमें ऐड क्या कर दिया? आई एन जी। जैसे केयर, केयरिंग, बेक, बेकिंग, ठीक है, मेक, इन सब के मतलब तो आपको पता ही होगा। मेकिंग बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, हम डेली लाइफ में अपनी यूज़ करते हैं। रिसीव, इन सब में लास्ट में ई आ रहा है तो इसको रिमूव करेंगे हम, आई एन जी ऐड कर देंगे। तो ई हटाया तो क्या आ जाएगा? आर ई सी आई ई वी आई एन जी, रिसीविंग, ठीक है। ई को रिमूव करके क्या करेंगे? आई एन जी ऐड करेंगे। एग्जांपल नंबर थ्री देखते हैं कौन से वर्ड्स होते हैं। रिमूविंग आई ई एन एडिंग वाई प्लस आई एन जी, ठीक है। तो ये कौन से वर्ड्स होते हैं? जैसे डाई, तो आई ई है इसमें ऑलरेडी, तो हम इसमें वाई ऐड करेंगे प्लस वाई प्लस आई एन जी, तो क्या बना? डी वाई आई एन जी, डाइंग। हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे डी आई आई एन जी, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। लिखेंगे टाइम, तो टी वाई आई एन जी, टाइम। लाई, लाई मतलब झूठ बोलना, एल वाई आई एन जी। जैसे बोलेंगे शी लाइंग, शी इज लाइंग, वो झूठ बोल रही है, तो आई एन जी आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फोर लेते हैं, इसमें क्या होता है? डबलिंग द लास्ट, तो आप कुछ एग्जांपल्स इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि अगर कहीं पर आपके सामने आए तो आपको याद आ जाए। एंड ऐड क्या करेंगे? वही आई एन जी, कॉन्टिन्यूस की बात है तो ऐड करना ही है, ठीक है। ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे सिट,
तो अगर हम इसको करेंगे, क्या बोला इन्होंने, लास्ट डबलिंग द लास्ट कॉन्सोनेंट, तो लास्ट कॉन्सोनेंट टी है और प्लस आई एन जी, ऐसे ही आर यू एंड लास्ट कॉन्सोनेंट डबल किया, आई एन जी लगाया, पहले ये लिखा लास्ट कॉन्सोनेंट इज एम देन एंड आई एन जी, ऐसे ही स्केपिंग कर देंगे, ऐसे ही शॉपिंग कर देंगे। अब अपनी नोटबुक में जब नोट करेंगे तो ये लिख के आप एक बार ही नोटबुक में वो ट्राई करिए, देन इससे चेक करिएगा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 5 क्या है, रिटेनिंग ई एंड ऐड क्या करेंगे हम, आई एन जी, तो जैसे होता है सी, सी मतलब देखना, तो इसमें ई रहने देंगे बट एड आई एन जी, इसमें पाई नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे होते हैं डाई, कपड़े डाई कराते हैं कलर, तो डी वाई ई एन जी, अग्री, किसी से सहमत होना, तो अग्री को कैसे लिखेंगे, अग्री। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, इसमें ई हम रहने देते हैं प्लस आई एन जी लगा देते हैं। एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं, डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट ऑफ सेकेंड सिलेबल इन सिलेबिक वर्ड्स, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। मैं आपको पहले एग्जाम्पल लिखती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। जैसे लिखा हमने बिगिन, बिगिन मतलब स्टार्ट करना, तो इसमें क्या बोला है, पहले तो हम यही वाला वर्ड उतार लेंगे, डबलिंग द लास्ट कॉन्सोनेंट, लास्ट कॉन्सोनेंट इज एन, डबल कर लिया, ठीक है, ऑफ सेकेंड सिलेबल इन डिससिलेबिंग वर्ड्स, तो उसके बाद क्या हो जाएगा आई एन जी, फिर क्या बन गया बिगिन डबल एन आई एन जी, रेफर, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई किसी ट्यूशन में जाता है तो बोलते हैं ना आपको किसने रेफर किया, हॉस्पिटल वाले दूसरा हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं, उनसे केस हैंडल नहीं होता, तो वो क्या होता है रेफरिंग,